नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अनिका किचन में। मैं श्वेता आज आपके लिए लेकर आई हूँ ब्रेड से बनने वाला एक यमी सा स्नैक्स। आज जो मैं स्नैक्स बना रही हूँ उसका नाम है चीज़ पॉकेट। तो चलिए आज हम अपना चीज़ पॉकेट बना के तैयार करते हैं। जब भी आपके घर में कोई पार्टी हो या खुद खाने का मन हो तो ये रेसिपी आप बना सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चीज़ पॉकेट्स बनाने के लिए सबसे पहले हम स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। स्टफिंग के लिए यहाँ पे फ्रोज़न कॉर्न, कैप्सिकम, गाजर, पत्ता गोभी, प्याज लिया है मैंने। आप अपनी पसंद का कोई और भी सब्जी इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे बीन्स हो, गोभी हो या फिर पनीर, आप कोई भी चीज़ इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे कढ़ाई में मैंने एक चम्मच के लगभग बटर डाल दिया है और एक चम्मच मैदा डाल के हम होममेड चीज़ बनाते हैं। जब इनको अच्छे से ये भून जाएंगे तो इसमें हम एक कप के लगभग दूध डाल देंगे। ये रूम टेम्परेचर पे ही लिया हुआ दूध है। आप इसको अच्छे से पहले इसमें मिक्स कर लीजिए। धीरे धीरे आप देखिएगा ये गाढ़ा होने लगेगा। फिर इसमें हम ऐड कर लेंगे एक चम्मच चिली फ्लेक्स और एक चम्मच हम ऑर्गेनो डाल देंगे। इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। चलिए अब इसमें हम नमक ऐड कर लेते हैं। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे मोज़रेला चीज़। आपके पास अगर मोज़रेला चीज़ नहीं है तो आप क्यूब्स वाले या स्लाइस वाले चीज़ डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक कप के लगभग चीज़ डाला है। आप डेढ़ कप चीज़ डाल सकते हैं या दो कप चीज़ डाल सकते हैं। आपको जितना चीज़ वाला पसंद है उस हिसाब से आप डाल लीजिए। इसके बाद इसमें बाकी सारी सब्जियों को हम ऐड कर लेंगे। और साथ में मैंने इसमें थोड़ा सा और चटपटा फ्लेवर लाने के लिए एक चम्मच के लगभग सेजवान सॉस डाल दिया है और दो चम्मच मैंने मेयोनीज़ डाल दिया है। इससे और भी अच्छा सा फ्लेवर आएगा। ये देखिए हमारा स्टफिंग रेडी है। हम गैस बंद कर लेंगे और इन सबको एक बर्तन में निकाल लेंगे। और जब ये ठंडा हो जाए तो आप इसे 20 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखिएगा। इसे बहुत अच्छे से आपका ये फीलिंग सेट हो जाएगा। जब तक हमारा फीलिंग रेस्ट कर रहा है तब तक हम इसको ब्रेड को चारों तरफ से काट के इसके पॉकेट्स के लिए इसे रेडी कर लेते हैं। आप ब्रेड को इस तरह से चारों साइड से काट लीजिए। ये चाकू से काटने में थोड़ा सा टेढ़ा हो जा रहा है मेरे से, इसलिए इसे हम सीजर से काट लेते हैं। आप अपने हिसाब से, आपको जिससे काटने में सुविधा हो उस हिसाब से आप इसे काट लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसे मेरे को काटने में थोड़ी सी आसानी हो रही थी बस इसीलिए। अब इसके जो बचे हुए पार्ट्स है इसको हमें फेंकना नहीं है। इसमें हमें दो चम्मच के लगभग कॉर्नफ्लेक्स ऐड करके इसका एक पाउडर बना लेना है। इसे आप ब्रेड क्रम्स बोल सकते हैं, होममेड ब्रेड क्रम्स है, इसका यूज़ हम आगे करेंगे। सारे ब्रेड को आप एक बेलन की सहायता से इस तरह से बेल के पतला सा कर लीजिए। इससे आपका पॉकेट अच्छा सा बन के रेडी होगा। आप चारों साइड से अच्छे से इसे बेल के रेडी करिएगा। चलिए अब हमारा सारा ब्रेड बेल के रेडी हो चुका है। अब हम एक स्लरी बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने मैदा लिया है दो चम्मच और एक चम्मच पानी डाल के इसे गाढ़ा सा एक घोल तैयार कर लिया है। स्टफिंग को 20 मिनट तो नहीं हुए हैं क्योंकि मुझे जल्दी में ये बनाना है, इसलिए मैंने इसे निकाल लिया है। 15 मिनट ही हुए हैं। आप इसे 20 से 25 मिनट जरूर रेस्ट करने दीजिएगा, तभी ये अच्छे से सेट हो पाएंगे। स्टफिंग को मैंने ब्रेड पे बीच में इस तरह से डाल दिया है और चारों साइड से हम ये पेस्ट जो मैंने बना के रेडी किया है मैदे से वो लगा लूँगी और इसे अच्छे से इस तरह से पकड़ के हम चिपका लेंगे। इसे चारों तरफ से अच्छे से चिपकाइएगा। ये देखिए इस तरह से हाथ से, हल्के हाथों से प्रेस करके हमें चिपका लेना है। ये देखिए दूसरा, मैं फिर से आपको एक और पॉकेट्स रेडी करके दिखाती हूँ। ये बहुत टेस्टी लगता है खाने में। जब भी आपके घर में कोई मेहमान आने वाले हो या कोई पार्टी हो तो आप इस तरह से इसे ज़रूर बना के ट्राई करिएगा। बहुत अच्छा लगता है ये खाने में और बनाने में मेहनत भी नहीं है। देखिए दूसरा पॉकेट्स भी हम रेडी कर लेते हैं इसी तरह से। पर अच्छे से इसको चारों साइड से सील करिएगा, कहीं से खुलना नहीं चाहिए। अगर ये अच्छे से सील नहीं होंगे तो जब आप इसे तेल में फ्राई करोगे तो ये खुल जाएंगे और आपका पूरा तेल ख़राब हो जाएगा, इसलिए इसे अच्छे से आप प्रेस करके सेट कर लीजिएगा।
चलिए एक और सलाड़ी हम बनाते हैं। इस बार हमें थोड़ा सा पतला सलाड़ी चाहिए। 2 चम्मच मैदा में 4 चम्मच पानी डाल के पतला सा घोल हमने बना लिया है और इसमें हम सारे ब्रेड को इस तरह से डिप करेंगे। इसका एक्स्ट्रा पानी हम निकाल देंगे और दूसरे हाथ से, जो हाथ हमारा गीला ना हो, सूखे हाथों से हम इसे ब्रेड क्रम्स में डाल के और चारों तरफ से इस तरह से लगा लेंगे हल्के हाथों से प्रेस करके। अब इसे हम 20 मिनट के लिए फ्रीज़र में स्टोर करके रखेंगे। 20 मिनट बाद इसे तलेंगे। देखिए यहाँ पे कढ़ाई मैंने चढ़ा दिया है। 20 मिनट बाद मैं इसे तल रही हूँ। आप चाहे तो इसे बना के एक कंटेनर में, एयर टाइट कंटेनर में फ्रीज़र में रख सकते हैं। 5 दिन बाद या 10 दिन बाद आप इसे फ्राई करके खा सकते हैं, ख़राब नहीं होता है। इसे आप हाई फ्लेम पे ही पकाइएगा, लो फ्लेम पे आप इसे नहीं पकाइएगा। ये देखिए बहुत अच्छा सा कलर आया है, ये बहुत अच्छा लगता है खाने में। ऊपर से बिल्कुल आपको क्रंची लगेगा और अंदर से एकदम चीजी चीजी सा बन के तैयार होता है। बिल्कुल पार्टी वाली रेसिपी है। 2 से ज़्यादा पीस एक बार में ट्राई नहीं करिएगा, नहीं तो टूट जाएंगे। चलिए मैंने सारे पॉकेट्स बना के तैयार कर ली हैं। बहुत अच्छा लग रहा है दिखने में, आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। मैं एक तोड़ के दिखाती हूँ कितना चीजी है ये अंदर से। ये देखिए पूरा चीज़ भरा हुआ है इसके अंदर। ये तेल में फ्राई होने के बाद और मेल्ट हो जाते हैं और खाने में लाजवाब लगते हैं। तो आप भी ये रेसिपी अपने घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। बाय बाय।